खाना खजाना के दर्शकों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वेजिटेरियन स्पेशल। वो इसलिए कि हमारे पास इतने खत, इतने पत्र, इतनी रिक्वेस्ट हैं वेजिटेरियन रेसिपीज़ की, कि मैं जितनी भी वेजिटेरियन रेसिपीज़ अपने रेपर्टवार में से निकालता जाता हूँ वो ख़त्म होती जाती हैं, लेकिन आपकी डिमांड ख़त्म नहीं होती है। खैर, मैं जब भी वेजिटेरियन दिखाता हूँ तो आप लोग बहुत खुश होते हैं, इसलिए मुझे भी खुशी मिलती है। तो आज आपके लिए 3 रेसिपीज़ वेजिटेरियन। पहली है स्प्राउटेड मूंग का शोरबा। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप स्प्राउटेड मूंग, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच अदरक कटा हुआ, कुछ तेज पत्ते, 1 कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च पतली कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मक्खन, नमक स्वादानुसार और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इस शोरबे के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है स्प्राउटेड मूंग। बनाना बहुत आसान है लेकिन समय ज़्यादा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जब मूंग स्प्राउट हो रहे हैं तो वहीं रहना पड़ेगा, नहीं तो वो जल जाएंगे या ज़्यादा बड़े हो जाएंगे या छोटे रह जाएंगे। आप पानी में भिगोएं, स्प्राउटेड मूंग बनाने के लिए हरी मूंग ले लें, पानी में भिगोएं उसको 6 से 8 घंटे तक, और उसके बाद एक कपड़े में मसलिन क्लॉथ के अंदर बांध दें और उसको करीब 2 से 3 दिन तक रहना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखेंगे वो अंकुरित हो जाएंगे। जितने ज़्यादा देर आप रखेंगे उतना ज़्यादा वो अंकुरित होंगे। इसके बाद ये जो स्प्राउटेड मूंग है इसको हम पीसेंगे, इसके अंदर अदरक डाल दें और इसमें पानी डालें। जब ये अच्छी तरह से पिस जाए तो उसके बाद इसको हम किस तरह से पकाते हैं देखिए। एक बर्तन में थोड़ा मक्खन या तेल, कुछ भी आप ले सकते हैं, और अब इसके अंदर थोड़ा सा जीरा और तेज पत्ता डालें। जब जीरे का फ्लेवर आने लगे तो इसमें छोटा कटा हुआ प्याज, इसको डालकर हल्का सा भून लें। और उसके बाद ये जो पतली कटी हुई शिमला मिर्च है उसको इसमें डालें। शिमला मिर्च से इसमें टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा और जो शिमला मिर्च का फ्लेवर रहता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इसको हल्का सा सौते करने के बाद जो हमने बीन स्प्राउट को मिक्स किया है उसको इसके अंदर डालेंगे और साथ में इसमें डालेंगे पानी। आप चाहें तो इसको बिल्कुल स्मूथ यानी क्रीम टाइप का सूप भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो बीन स्प्राउट है या स्प्राउटेड मूंग है उसको अच्छी तरह से पीसना पड़ेगा, एकदम महीन। लेकिन मैं जैसे भी ये सूप बनाता हूँ वेजिटेबल्स के, ज़्यादातर जैसे मशरूम का भी बनाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा मशरूम के पीसेस आने चाहिए, इसलिए उसको उतना ही ग्राइंड करना चाहिए, एकदम स्मूथ नहीं करना चाहिए। इसको सीजन कर दें नमक और काली मिर्च के पाउडर से। जब इसके ऊपर उबाला आने लगे तो ये ऊपर का जो स्कम है आप उसको निकाल सकते हैं। जब इसके अंदर एक उबाला आ जाए तो इसमें से ये तेज पत्ता निकाल लें इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। और इसको सर्व करने के लिए
एक सूप कप में ये स्प्राउटेड मूंग डाल लें पहले, और उसके बाद ये शोरबा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा और टेस्ट देने के लिए इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, थोड़े से हरी मूंग लीजिए, उनका स्प्राउट बनाएं, और परसों, क्योंकि आज और कल में तो स्प्राउट बनेंगे नहीं, यदि तैयार हैं तो इंतजार किस बात का है, पीजिए गर्मा गर्म स्प्राउटेड मूंग का शोरबा। आज जो मैं आपको डिश बना के दिखाने वाला हूँ वेजिटेरियन है, आलू की है और उसके अंदर गोभी भी है। आप सोच रहे होंगे कि ये आलू और गोभी की डिश हमें क्यों दिखा रहा है, ये तो हम रोज़ ही खाते हैं। आप रोज़ाना जो आलू और गोभी की डिश खाते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि इस तरह की नहीं खाते होंगे, क्योंकि ये आलू गोभी है ग्रेवी वाली, और आप हमेशा खाते होंगे सूखी। तो देखते हैं ग्रेवी वाली आलू और गोभी। इसके लिए हमें चाहिए आधी फूल गोभी कटी हुई, 2 से 3 आलू कटे हुए, 1 प्याज छोटा कटा हुआ, 1 चम्मच अदरक छोटा कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 3/4 कप ग्रेटेड कोकोनट, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच मेथी, नमक स्वादानुसार, होल गरम मसाला, 2 सूखी लाल मिर्चें, 1/2 कप इमली का पानी और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच तेल। सबसे पहले जीरा और गरम मसाले को हम भून लेंगे। उसके बाद जो हमने ग्रेटेड कोकोनट लिया है उसकी पेस्ट हमने बनानी है इस गरम मसाले के साथ। इसको थोड़ा सा ठंडा करके हम पीसेंगे कोकोनट के साथ। इसमें थोड़ा पानी डाल दें। और अब इसकी पेस्ट बनाएंगे। अब इसकी ये जो पेस्ट है इसको निकाल के एक बोल में रख लें। इसके बाद एक बर्तन में थोड़ा तेल गरम कर लें। जब तेल थोड़ा गरम होने लग जाए तो इसके अंदर सूखी लाल मिर्च डालें। लाल मिर्च अगर जो बड़ी हो तो उसको तोड़ के उसके बाद इसमें डालें। इस गरम तेल के अंदर थोड़ी राई, सौंफ, मेथी और कलौंजी डालें। कलौंजी यानी अनियन सीड्स। इनको थोड़ा भूनने के बाद इसमें छोटा कटा हुआ प्याज डालें। और इसके साथ इसमें डालें छोटा कटा हुआ अदरक। जब ये थोड़ा भुन जाए उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें।
और साथ में डालें जो कटे हुए आलू हैं और गोभी को। आप इसी तरह से इस सब्जी को पकाएंगे तो ये भी काफ़ी टेस्टी बन सकती है, लेकिन मैं इसको ग्रेवी वाला बनाने जा रहा हूँ। अब इसके अंदर पानी डाल दें। स्वादानुसार नमक और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाई थी कोकोनट और मसालों की, उसको। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस कोकोनट के साथ जो मसाले मिले हुए हैं उसका फ्लेवर इसके साथ जाएगा, और बाकी भी हमने तड़के के अंदर मेथी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर दिया है, सौंफ दी है, कलौंजी दी है और राई दी है। अब इसको एक उबाला आने दें। जब इसके अंदर उबाला आ जाएगा तो अब एक और वाइटल इंग्रेडिएंट इसके अंदर डालेंगे हम, इमली का पानी, ताकि जो इसमें खटास चाहिए हमको वो भी आएगी। जब इसके अंदर एक उबाला आ जाए तो इसमें इमली का पानी डालें। इमली का पानी यानी इमली को गर्म पानी के अंदर भिगो लें और उसको अच्छी तरह से मसल लें और उसको छान लें, जो उसका पल्प निकलेगा वो इसके अंदर डालें। इसके बाद इसको एक उबाला और आने दें। और उसके बाद आंच धीमी करके इस पे ढक्कन लगाकर इसको दम में करीब 10 मिनट तक अच्छी तरह से धीमे धीमे पकने दें, ताकि जो बाकी मसाले हैं, जो सबका टेस्ट है, वो गोभी और आलू के साथ एकदम अच्छा हो जाए और रसेदार गोभी कोकोनट के साथ आपको मिले खाने के लिए गर्मा गर्म। और अब हम देखेंगे एक और वेजिटेरियन डिश। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वादा किया था कि इस पूरे एपिसोड में मैं आपको सिर्फ वेजिटेरियन यानी शाकाहारी डिशेस बताऊंगा। तो देखिए, एक शाकाहारी मीठा, एक शाकाहारी हलवा यानी दूधी का हलवा, यानी घीए का हलवा, यानी लौकी का हलवा, खैर नाम में क्या रखा है, देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 कप ग्रेटेड लौकी यानी दूधी, 1 कप चीनी, 4 कप दूध, 1/2 कप घी, 1/4 कप किशमिश, 1/4 कप काजू, 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसके लिए सबसे पहले जो दूधी है उसके जो बीज हैं उसको निकाल लें, दूधी को छील लें और उसके बाद इसको ग्रेट कर लें यानी कद्दूकस कर लें। लौकी कस क्यों नहीं कह सकते, दूधी कस क्यों नहीं कह सकते, खैर छोड़िए इन बातों में क्या रखा है। इसको ग्रेट जब आपने कर लिया है तो उसका पानी जितना है उसको निकाल लें, और उसके बाद एक बर्तन में देसी घी ले लें और इस दूधी को उसमें डालें, और उसके बाद इसको थोड़ी सी देर तक भूनें।
हलवे तो आपने कई किस्म के देखे होंगे, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो शायद है गाजर का हलवा या फिर सूजी का हलवा। लेकिन दूधी का हलवा चाहे इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन होता है। जब आप इसको हल्का सा भून लें तो इसके अंदर दूध डालें। अब इस दूध के साथ इस लौकी को पकाएं। पहले तेज आंच पर, जब दूध में उबाला आ जाए तो आंच धीरे करके इसको धीमी आंच पे लौकी को पकाएं, जब तक ये दूध एकदम सूख नहीं जाता। अब ये काफी गाढ़ा हो गया है, काफी रिड्यूस हो गया है। आप चाहें तो इस समय इसको खीर के रूप में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन चीनी डालकर, क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाली है। आप इसमें थोड़ा मावा डाल के भी इसको थिकन कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। और जब आप चीनी डालें उसके साथ में डालें थोड़ा और घी। अब इसके अंदर हम काजू और किशमिश डालेंगे। काजू डालने से पहले काजू को काट लेते हैं। आप चाहें तो इसमें बड़े बड़े पीस भी डाल सकते हैं। कोई भी खीर या हलवा जब आप बनाएं तो उसके अंदर जो दूध का आप इस्तेमाल करें वो होल मिल्क होना चाहिए, यानी कि काफी गाढ़ा दूध होना चाहिए। अब इसके अंदर ये किशमिश डाल दें और काजू डालें। और इसके अंदर डालेंगे हम इलायची का पाउडर। आप ये देख रहे होंगे कि यहां पे हमने काफी सारा इलायची पाउडर रखा हुआ है। ये सिर्फ इलायची पाउडर नहीं है, इसको चीनी के साथ पीसा गया है इलायची को, छोटी इलायची को, क्योंकि इलायची आपको चाहिए होती है 4-5-6 या ज्यादा से ज्यादा 10। और अगर आप इतनी क्वांटिटी में उसको पीसेंगे तो मिक्सी के अंदर वो ढंग से पिसती नहीं है, इसलिए थोड़ी चीनी ले लें और उसके साथ इलायची को पीसें। और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं।
अब ये हलवा काफ़ी रिड्यूस हो गया है और इसमें हल्का हल्का कलर भी आने लग गया है, तो इसका मतलब है दूधी का हलवा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर एक फाइनल टच देना है आपने, इसको पकाना बंद कर दें और इसमें थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क दें। इसके बाद सर्व करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर थोड़ा सा रोज एसेंस डालें और थोड़ा सा सजा के इसको दें, काजू बादाम पिस्ता जिस भी चीज से। इसको सजाने के बाद आप इसका आनंद ले सकते हैं, ठंडा या गर्म, यानी दूधी चाहे वो ठंडी हो या गर्म हो या किसी भी फॉर्म में हो, हमेशा टेस्टी रहेगी।